नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है और खबर यह है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर मंडरा रहा कोरोना का खतरा। टल गया है लालू यादव को, कोरोना संक्रमण का कोई खतरा नहीं है। कोरोना संक्रमण का खतरा हम इसलिए कह रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में जिस तरीके से कोरोना अपना पांव पसार रहा है और उसके बाद जिस तरह से रांची के रिम्स के एक मरीज में कोरोना संक्रमित पाया गया था, इसलिए ये आशंका लगातार जताई जा रही थी कि लालू प्रसाद यादव के जो डॉक्टर हैं उनमें भी कोरोना का संक्रमण हो सकता है, उनमें भी कोरोना खतरा हो सकता है और इस खतरे की वजह से लालू पर कोरोना संक्रमित होने का खतरा बढ़ गया है। लालू यादव पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और तेजस्वी यादव ने भी इसको लेकर चिंता जताई थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने चिंता जाहिर की थी और उन्होंने ये कहा था कि लालू यादव कई बीमारियों से ग्रसित हैं, उनकी उम्र हो गई है और जिसके पास परिवार होगा वही इस तनाव को समझ सकता है। तो अब लालू प्रसाद यादव को कोरोना का खतरा क्यों नहीं है, क्योंकि रिम्स के जो निदेशक हैं उनका बयान सामने आया है और उन्होंने ये कहा है, स्पष्ट किया है कि लालू यादव को कोरोना का कोई खतरा नहीं है और न ही उनके कोरोना जांच की कोई ज़रूरत है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो जांच कराई भी जा सकती है, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई ज़रूरत नहीं दिखती। रिम्स के निदेशक डीके सिंह ने कहा है कि मीडिया में इस बात की आशंका जताई गई थी कि मेडिसिन विभाग में भर्ती एक वृद्ध मरीज के सोमवार को कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद लालू यादव का इलाज कर रहे मेडिसिन विभाग के डॉक्टर उमेश प्रसाद सिंह की टीम भी कोरोना वायरस से संक्रमित होने की आशंका है। लालू को कोरोना टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है क्योंकि लालू का इलाज कर रहे डॉक्टर की टीम का कोई भी व्यक्ति संक्रमित नहीं है। अगर जरूरत पड़ी तो लालू की कोरोना जाँच हो भी की भी जा सकती है, ये भी कहा है डॉक्टर डीके सिंह ने, जो रिम्स के निदेशक हैं। और आप जानते हैं राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं और रांची के रिम्स में लंबे वक्त से उनका इलाज चल रहा है और कई बीमारियों से वो घिरे हुए हैं। और हाल के दिनों में जब ये खबर आई कि रिम्स से एक मरीज को कोरोना संक्रमित पाया गया है तो ये कहा जाने लगा या शंका जताई जाने लगी कि लालू यादव पर कोरोना का खतरा बढ़ गया है क्योंकि डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। और यही बात डीके सिंह ने भी कही है कि मीडिया में यह आशंका जताई जा रही थी। तो अब अच्छी खबर आ गई है लालू प्रसाद यादव के लिए। लालू प्रसाद यादव को कोरोना का कोई खतरा नहीं है और न ही उनके कोरोना जांच की ज़रूरत है, ये बात रिम्स के निदेशक ने कह दी है। तो कहा जा सकता है कि तेजस्वी यादव की टेंशन खत्म हो गई है, खुद लालू यादव की टेंशन खत्म हुई है, आरजेडी के नेताओं कार्यकर्ताओं और लालू यादव के समर्थकों की टेंशन खत्म हुई है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।